नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, सावन की सातवीं सोमवारी को लेकर जो है आपको मुजफ्फरपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के तर्ज पर जो है यह जो है झांकी जो है सजाया गया है। और यहाँ से जो है जो शिव भक्त हैं यह पहले जाएंगे, वहाँ से जलभोजी करने के बाद जो है बाबा गरीबनाथ पर जो है जलाभिषेक करेंगे। हमारे साथ कुछ स्वयंसेवक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, कहाँ से ये आइडिया आया? ये सपना में देखा, पूरा हो गया चीज़, वो चीज़ के लिए मन में आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस महाकाल। क्या कुछ कहिएगा, क्या बनाए हैं? केदारनाथ मंदिर बनाए हैं, ये सोच है हमारी थी, ठीक है, सोच हमारी थी, इसलिए हमने बनाया है। और आगे चल के इससे भव्य कांवड़ का निर्माण हम लोग करेंगे। कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग पलेजा घाट पे। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार हुआ। कब बनाया है ये, कितना दिन लगा बनाने में? दो महीना लग गया मैक्सिमम। दो महीना लगा, क्या बनाया है? केदारनाथ का मंदिर हम लोग बनाए हैं और हम लोग पहले घाट पे जाने वाले हैं, वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे यहाँ बाबा गरीबनाथ के लिए। कहाँ से ख्याल आया कि केदारनाथ? ये हम लोग का ग्रुपिंग जो सोच था हम लोग उसमें डाले, हम लोग बोले कि ये चीज़ यूनिक होना चाहिए और हम लोग इस चीज़ के लिए इग्नोर एक्साइटेड होकर इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। काफ़ी मेहनत लगा होगा बनाने जी? दो महीने लगे। कितनी खुशी हो रही है अभी? मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसी खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं आती जिससे आज खुशी हो रही है हमें। और ये हम लोग के भोलेनाथ आशीर्वाद है, कृपा बना हुआ है कि हम लोग इसको बनाए हैं और इसको हम लोग से करके यहाँ पे लाएंगे। क्या मांगेगा सावन में? सावन में क्या मांगना, सब कुछ मिल चुका है, बाबा जो देंगे उसमें हम लोग खुशी हैं। बस पहले जाएगा, वहाँ से पैदल आएगा, रास्ता काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है वहाँ, हाथ से ज़्यादा कठिन है। पार लगाएंगे सब, बाबा पार लगा देंगे वहाँ से। तब बनाने में इतना मेहनत की है। मेरा नाम सुरेश गुप्ता हो गया। क्या कहिएगा जी? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ, मैं छोटी कल्याणी महावीर मंदिर का सेवक हूँ। और ये हमारे भाई जो सूरज हैं और हम और हमारी जो टीम है, उनकी तरफ से एक सोचा गया था कि इस चीज़ को बनाया जाए कैसे। तो एक जगह गए जहाँ बनाने का तो थोड़ा सा उलंग जुलंग किया, इस कारण उस जगह पर न बना के खुद से सोचे कि बाबा का आशीर्वाद है, जब सिर पे बाबा का आशीर्वाद है तो खुद से ही क्यों ना एक कोशिश किया जाए एक बार। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? अभी तो यहाँ से हम लोग 20 लोग निकलेंगे और वहाँ पे हम लोग का जो टीम है वो सुबह जा चुकी है, वो इंतज़ार कर रही है हाजीपुर में हमारा। क्या बनाया है? हम लोग बाबा केदारनाथ धाम का जो स्वरूप है वो तैयार है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। क्या कुछ कहिएगा, आप भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सब छोटी कल्याणी कल्पना महावीर मंदिर के सदस्य लोग हैं। करीबन आज 55 वर्षों से ये छोटी कल्याणी चौक पे ये कैंप लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भव्य केदारनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया है। इन्हें 70 किलोमीटर पलेजा घाट से बाबा के नगरी में आकर के जलाभिषेक किया जाएगा।
इसकी लमसम किलो डेढ़ क्विंटल किलो दी गई है और 21 फीट लंबी प्रारूप दी गई है। तो क्या क्या से इसको बनाया, क्या क्या लगा बनाने में? इसमें बांस का और कुछ पीओपी का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है और काफ़ी हाथ से जो कला ये हुआ है, कलाकारी हुआ है, उसको काफ़ी हम लोग मेहनत करके ये लाइटिंग वाइटिंग लगा करके बाबा का रूप दिए हैं। अच्छा, अभी इसको देखने के लिए जो है बहुत सारा भीड़, काफ़ी बहुत ज़्यादा, बहुत मन में बहुत खुशियाँ हैं और हमारे घर के सारे लोग भी यहाँ पे देखते, जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग भी उमड़ पड़े हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मन में। युवा है, क्या मांगिएगा बाबा से? बस बाबा से यही मांगेंगे, अच्छी सारी नौकरियाँ दे दे, अच्छी सरकारी नौकरी दे दे, और क्या चाहिए जी। बिल्कुल, जय बाबा भोलेनाथ। क्या लगता है बाबा पूरा करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा में श्रद्धा है, बाबा जरूर पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। धन्यवाद। पीछे तस्वीर देखिए कितना जो है भीड़ लगा हुआ है भक्तों का, और ये आप तस्वीर में का फिर से देख लीजिए, यह जो है बाबा केदारनाथ के तर्ज पर जो है यह जो झांकी है यह बनाया गया है और इसको बनाने में जो है लगभग 2 महीने का समय लगा है और लगभग 70 की संख्या में जो शिव भक्त हैं वह जलभोजी करने के लिए निकले हैं और बाबा गरीबनाथ धाम में जो है जलभोजी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।